going to start today is the topic that we are going to start today is motion in a plane. So one example is projectile motion. Right? So one example is we'll study today about projectile, है ना. So basic चीजें बच्चों, तुम लोगों को तो बहुत सारी चीजें पता है, पता होगा एक्चुअली प्रोजेक्टाइल के बारे में, इतना मुझे पता है. तो मैं तुम लोगों को कुछ लेट मी टेल यू अबाउट सम बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना. तो बेसिकली क्या होता है कि इफ वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट एट सम इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट एट सम इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, वर्टिकली. तो अगर मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट को हम ये डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो बेसिकली इट विल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स इनिशियली, व्हिच इज यू कॉस थीटा, द अदर वेलोसिटी कंपोनेंट इज यू साइन थीटा. तो बेसिकली ना इनिशियली ऐसे दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे, वन इज यू कॉस थीटा, द अदर वन इज यू साइन थीटा, है ना. u cos theta की वजह से वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, u sin theta की वजह से वर्टिकली तो ऊपर जाएगा लेकिन उसका वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस करेगा, है ना. द वेलोसिटी विल गो ऑन रिड्यूसिंग ग्रेजुअली, ठीक है ना. ऐसे गया तो वेलोसिटी बेसिकली ग्रेजुअली रिड्यूस करेगा, है ना. बट बिकॉज जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है उसके पास कंसिस्टेंटली, है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट विल ऑलवेज बी मूविंग फॉरवर्ड आल्सो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें यहाँ पे, है ना, मान लो दिस इज एट सम टाइम इंस्टेंट टी वन, एट सम टाइम इंस्टेंट टी वन, एट सम टाइम इंस्टेंट टी वन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका आएगा u cos theta, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है ना, दैट विल बी लेट्स से आफ्टर साइन टाइम टी वन यू साइन थीटा माइनस जी टी वन, ठीक है ना. अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले रहा हूं, तो इस पॉइंट पर उसके पास वेलोसिटी कितना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी यू कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लेट्स से दिस इज टाइम इंस्टेंट टी टू, तो वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स यू साइन थीटा माइनस जी टी टू, ठीक है ना. तो एट एनी टाइम इंस्टेंट, सो है ना, अलोंग द ट्रैजेक्टरी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अलोंग द ट्रैजेक्टरी एट एनी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट टी एम, है ना, अलोंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन, है ना, एट एनी इंस्टेंट टी एन, कोई भी टाइम इंस्टेंट टी एन में, है ना, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, है ना, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, आई कैन से दैट वी वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एन, है ना.
तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि एट एनी टाइम इंस्टेंट, हम कोई भी टाइम इंस्टेंट है ना को अगर कंसीडर करते हैं, एट एन आर्बिट्ररी टाइम, एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ टाइम है ना, आई कैन से दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई फॉर द ऑब्जेक्ट है ना, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से है ना, दिस विल एक्चुअली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, वेर एज क्योंकि एक्सीलरेशन है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन तो वेलोसिटी भी चेंज होगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है ना. सो वेलोसिटी आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन चेंजेस, और वेलोसिटी एज ए होल एज ए वेक्टर विल आल्सो चेंज बिकॉज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, ठीक है ना. वेयर एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, वेयर एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट है ना बच्चों, ये समझ में आ गया. बेसिकली क्या हो रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक वेरिएबल है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट है ना. तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, एज देर इज नो कॉम्पोनेंट, एज देर इज नो एक्सिलरेशन और नो कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग हॉरिजॉन्टल. ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर लो है ना. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यस हॉरिजॉन्टल सर, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओके है ना. थैंक यू बेटा, थैंक यू. बस दो तीन लोगों को समझ में आया क्या है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है ना, देर इज नो एक्सीलरेशन ऑफ देर इज नो एक्सीलरेशन, देर इज नो कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट चेंज. ठीक है, सो आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ है ना. तो जो अगला स्लाइड है ठीक है ना, तो इसमें मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि है ना हमारे पास है ना बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए. जैसे कि आई कैन से दैट व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितना होता है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ये प्रोजेक्टाइल है, ये ट्रैजेक्टरी है. ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ है ना, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ है. हाँ आयुश्री बेटा गलत बोल दिया, ठीक है ना. अभी मैंने बोला ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना बेटा, ये हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है ठीक है ना बच्चों, बेसिकली ये जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हो जाता है जीरो. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो ठीक है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, दैट इज यू कॉस थीटा है ना, तब जाके आगे जाएगा ना. नेट वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा तो वो डायरेक्टली नीचे गिरेगा, हॉरिजॉन्टली कवर ही नहीं करेगा पाथ. इफ नेट वेलोसिटी बिकम जीरो हियर, तो ऐसे जा रहा था और डायरेक्ट ऐसे गिरेगा,
और डाउनफॉल पूरा डायरेक्टली वर्टिकल होगा, अगर नेट वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा तो, है ना। लेकिन फिर भी हॉरिजेंटली मूव कर रहा है कि नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गया जिसके वजह से और ऊपर नहीं जाएगा। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी नीचे एक्ट कर रहा है, नीचे तो खींचेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है ना, जिसके वजह से आगे भी जाएगा, मतलब नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज यू कॉस थीटा व्हिच इज अ कांस्टेंट। हेंस नेट वेलोसिटी, है ना, हेंस नेट वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, नेट वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, नेट वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज वी इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है ना। एंड दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, मिनिमम वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज यू कॉस थीटा। इसके बाद क्या होगा, जब नीचे आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। जब तक नीचे आएगा वापस सेम वेलोसिटी यू आ जाएगा उसके पास, वी इज इक्वल टू यू, और मैग्नीट्यूड ऑफ वी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू, ठीक है ना। वापस वही वेलोसिटी उसके पास विद द सेम स्पीड, है ना, विद द सेम स्पीड इट विल हिट द ग्राउंड। जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था उसको ग्राउंड से, सेम स्पीड से वो फिर से वापस ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ट्रैजेक्टरी का मतलब है पाथ, ठीक है ना। सो प्रोजेक्टाइल क्या है, दैट इज द नेम ऑफ द ट्रैजेक्टरी, है ना। सो नेम ऑफ पाथ, पाथ ये जो रास्ता है जिससे ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, इसको प्रोजेक्टाइल क्यों बोला जाता है, इस रास्ते का नाम है ना, ये पाथ का नाम, ये जो ट्रैजेक्टरी है इसका नाम है ना, द नेम ऑफ ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रोजेक्टाइल इज द नेम ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिकली, है ना। ठीक है ना, सो बेसिकली दिस इज मोशन इन अ प्लेन, मतलब ये जो मोशन है ये एक प्लेन में है ना, मतलब इट हैपेंस इन वन प्लेन और इट ऑकर्स इन वन प्लेन, ठीक है ना। ये थ्रू आउट द मोशन द प्लेन ऑफ मोशन डजंट चेंज, ठीक है। तो इसमें है ना बहुत सारे, मैं डेरिवेशन में नहीं जाके, बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं ना, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, जितना टाइम के लिए पार्टिकल उड़ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी इज गिवन एज 2u sin θ/g, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ना। वन इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर मैक्सिमम हाइट इज रेंज, रेंज रेंज इज नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्रोजेक्टेड मोशन, तो दिस इज नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। बेसिकली कैन से दैट ओके आर इज इक्वल टू है ना
u square sine 2 theta upon g. u square sine 2 theta upon g. ठीक है ना? So this is range. ठीक है ना? बच्चों ये समझ में आ गया? सारे एक्सप्रेशन समझ में आ गए? ये जो बेसिक एक्सप्रेशन तुम लोगों ने पढ़ा है अपने क्लास 11th में, आई जस्ट है ना, मैंने बस तुमको रिमाइंड करवा लिया, मैंने तुमको एक ना थोड़ा रीकैप दे दिया. इज दिस क्लियर? यस सर. स्टूडेंट्स ये क्लियर है? नोट कर लिया? डिड यू नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स? नोट कर लिया ना बच्चों? ठीक है, तो आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड है ना. नेक्स्ट इज आई विल गो टू डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अभी मेरा नेक्स्ट कंसर्न जो है इसको लेकर, आई नेक्स्ट कंसर्न इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये सब हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है ना. आई विल गो टू नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है ना. तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, वो कुछ ऐसा है कि मान लो ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है तो बेसिकली हम ना इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो मान लो अगर मैं हॉरिजॉन्टल को, इफ आई टेक हॉरिजॉन्टल एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल डायरेक्शन एज वाई एक्सिस. अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है ना, और जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है वी टेक इट एज ओरिजिन, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट विल बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई. तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई होगा, है कि नहीं बच्चों, है ना. इज दिस क्लियर? अगर मान लो जो मोशन में प्रोजेक्टाइल है ना, जो पाथ में ना प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है जहां पर, है ना, जिस पाथ में प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है ना, जिस प्लेन पर, तो उस प्लेन में मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले रहा हूँ. अगर मैंने और ओरिजिन मैंने ले लिया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ले लिया ओरिजिन, ठीक है ना, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ले लिया ओरिजिन, ठीक है ना. तो बेसिकली इफ वी कंसिडर हॉरिजॉन्टल एज एक्स एक्सिस, अगर हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एज या फिर वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले रहे हैं, है ना, एंड है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन बोलेंगे ना, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन Point of projection
एज ओरिजिन। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ले रहे हैं ओरिजिन, वी आर टेकिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, है ना। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने ले लिया ओरिजिन, है ना। देन है ना, अरे समझो ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैंने ओरिजिन लिया, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट मे बी टेकन एज, मे बी टेकन एज एक्स कॉमा वाई। तो आर्बिट्रारी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं एक्स है ना कॉमा वाई ले सकता हूं, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सो बेसिकली आई कैन से दैट, बेसिकली आई कैन से दैट दिस इज ना, अगर मान लो पार्टिकल यहां पे पहुंच गया है, उसके पास कुछ आर्बिट्रेरी वेलोसिटी वी है एट सम टाइम टी, है ना। सो बेसिकली I can say that what is equation of trajectory? Equation of trajectory is an equation in terms of the coordinates of the particle, है ना? Equation of path of the particles, path of the object in motion in terms of its coordinates, in terms of its coordinates, coordinates is called equation of trajectory, is called equation of trajectory, ठीक है ना बच्चों? So is that clear? So now this is called equation of trajectory, ठीक है बच्चों? तो next मान लो कि I can say that x equal to u cos theta into time taken, x is total horizontal displacement. X is total horizontal displacement. Horizontal displacement equal to horizontal velocity time taken. क्योंकि along horizontal there is no acceleration along horizontal. Horizontal के along कोई acceleration है ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि horizontal के along कोई acceleration ही नहीं है, है ना? Then I can say that x equal to u cos theta into t. Horizontal displacement is equal to horizontal velocity into time taken, है ना? जो time t में ये एक arbitrary point p में पहुंचा है particle जिसका की coordinate x y है, तो vertical displacement y क्या होगा? That is equal to initial vertical velocity u sin theta into t minus half g t square, u sin theta into t minus half g t square, ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा equation 2. ये आ गया हमारा इक्वेशन टू, इंप्लाइज आई कैन से दैट वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब एक्स बाय यू कॉस थीटा, एक्स बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन में वाई के इक्वेशन में जो टी का वैल्यू आ रहा है इक्वेशन वन से, वो मैंने इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट किया. इक्वेशन वन इज अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन टू इज अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो इक्वेशन टू में टाइम इन प्लेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टी, आई एम यूजिंग द In place of t, I am using the expression of t obtained from equation 1.
am using expression of t obtained from equation 1. Is that clear? है ना बच्चों, इतना समझ में आ गया बच्चों? ये क्लियर है ना? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े, थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलास, फिर हम है ना बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा बेसिक है ना डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलास। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को लेकर ना इक्वेशन आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स है ना, वी गेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज वाई इक्वल टू है ना, यू कैंसिल कर लो, देन आई एम गेटिंग एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं बच्चों? इंप्लाइज वाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो कि तुमको पूरा अब एग्जाम में थोड़ी ना डिराइव कर सकते हैं, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट इट, है ना? तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको ना इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम थोड़ा है ना विल ब्रेक इट डाउन, है ना, जो हमारा प्रॉब्लम में यूज होता है हम उसको ब्रेक कर लेंगे ना, जो हमारे प्रॉब्लम में यूज होता है ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, विल ब्रेक इट डाउन। इज दिस क्लियर बच्चों? ये समझ में आ गया ना सबको? नोट इट डाउन सर। हाँ बोलो बोलो बेटा। अच्छा, यस सर बोला क्या या कुछ और बोल रहे थे? मतलब हाँ हाँ बेटा, सर समझ में आ गया। आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इससे हम बनाएंगे नया फॉर्मूला। ठीक है, तो अपना जो नया फॉर्मूला है इट इज लाइक है ना, आवर न्यू फॉर्मूला विल बी लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा है ना माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं तुमको दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, y is equal to x tan theta, अगर मैंने कॉमन ले लिया होल इंटू वन माइनस, है ना, मैंने तो x tan theta कॉमन ले लिया, तो g ऊपर होगा, बस मेरे पास आएगा ऊपर में आई ओनली गेट x, है ना, बाय टू यू स्क्वायर, है ना, tan theta में ले आया न्यूमरेटर से, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में tan theta मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 u square cos square theta, ठीक है ना? अब देखो ये जो quantity ना 2 u square cos square into tan cos square theta into tan theta by g, देखो बच्चों है ना, जो range होता है r क्या होता है, r is equal to u square, है ना, r is equal to u square sin 2 theta by g, so that is equal to u square into 2 sin theta cos theta by g, तो r का वैल्यू एक्चुअली कितना है, that is equal to 2 u square sin theta into cos theta by g। अब मैं ये जो क्वांटिटी ले रहा हूँ है ना, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जो है ना 2 u square cos square theta tan theta by g, जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है 2 u square, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है 2 u square
ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा बाय जी है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 2u² बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिला कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी विच इज इक्वल टू आर, जो कि आर के बराबर है अभी, है कि नहीं बच्चों? नाउ दिस इज इक्वल टू आर। तो ये जो 2u² कॉस स्क्वायर थीटा टैन थीटा डिवाइडेड बाय जी है, दैट इज इक्वल टू आर। सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज इम्प्लाइज, तो इसका मतलब है आई कैन ऑल्सो राइट दैट एज, ठीक है ना बच्चों, है ना? तो उसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, उसको बेसिकली हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, दैट y इक्वल टू x टैन थीटा फोर इंटू वन माइनस, है ना, x बाय ये जो पूरा क्वांटिटी है ये r है, जो डिनोमिनेटर पे क्वांटिटी है 2u² cos square theta इनटू tan theta बाय g, सो दैट इज इक्वल टू r। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y इक्वल टू x tan theta होल इनटू 1 माइनस x बाय r, तो दैट इज अनदर फाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो बच्चों ये एक है ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है, इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आ गया बच्चों? इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक यस है, सर। ओके ओके। तो नाउ लेट मी गो टू वन मोर स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, अभी क्लियर कर लेंगे कैनवास को। कैनवास क्लियर करके अभी जो है ना कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ये और एक चीज है, बेसिकली, है ना, और दो फैक्टर्स है ना। तो मान लो एक मैं तो दे रहा हूं ना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, है ना। सो आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इक्वल टू मैक्सिमम, रेंज तभी मैक्सिमम होगा ना जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, है ना। इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज, है ना। तो सो आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है ना, आगे समझ में? ठीक है, ओके। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो से दैट, एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो से दैट आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नाउ सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा साइन टू थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस टू थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। साइन टू थीटा
is equal to sine of 180 minus 2 theta, or I can say that sine theta, sine of 2 theta is equal to sine of 180 minus 2 theta. है ना, सिंस देखो बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस एक्स, ठीक है ना, तो बेसिकली आई कैन से दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, सो एट द सेम टाइम इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, सॉरी इंप्लाइज साइन 2 थीटा इक्वल टू यस sin 180 minus 2 theta, so implies, ठीक है ना, implies, I can also say that R है ना is equal to u square sin 2 theta by g is equal to same for है ना theta and 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल में रेंज का वैल्यू सेम है फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, सो आई कैन बेसिकली से दैट है ना फॉर 2 थीटा, 2 थीटा में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, है ना, इफ आई एम राइटिंग 2 थीटा दैट मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, एंड व्हेन आई एम राइटिंग 180 माइनस 2 थीटा तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, जब मैं 2 थीटा लिख रहा हूं तब वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जब मैं 2 थीटा लिख रहा हूं तब वहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, मतलब थीटा है, 180 माइनस 2 थीटा लिख रहा हूं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 90 माइनस थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू sin 180 माइनस थीटा, तो बेसिकली रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin ऑफ 180 माइनस 2 थीटा बाय g, है ना, तो यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ थीटा, यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ 90 माइनस थीटा, मतलब for two different angle of projections theta and 90 minus theta range is same for two different angle of projections, है ना, 90 theta and 90 minus theta the range is same, ये समझ में आ गया, so these are again two very important informations, तो ये भी दो है ना काफी है ना मतलब जरूरी information थे हम लोगों के लिए, ठीक है बच्चों, बच्चों बच्चों क्लियर है ना, यस सर, ओके, तो नाउ वी कैन गो टू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना सर, यस सर, वो ट्रेजेक्टरी वाला स्लाइड एक बार दिखाइए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है, कौन सा स्लाइड बेटा, ट्रेजेक्टरी सर, अच्छा ट्रेजेक्टरी वाला स्लाइड देखना है तुमको फिर से, हाँ सर, अच्छा ट्रैजेक्टरी वाला फाइनल लास्ट वाला स्लाइड क्या, यस सर, अच्छा ये तो अलग है, ट्रैजेक्टरी का लास्ट स्लाइड, अच्छा ये वाला, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने मॉडिफाइड इक्वेशन निकाला, इसमें आर के साथ रिलेशन करे थे, हाँ ये वाला ना, यस सर, हाँ लिख लिया आर के साथ जो रिलेशन है, सो दीज आर बेसिक रिलेशन, ठीक है ना, हो गया, यस सर, ओके, तो क्योंकि ये हो गया है ना, अब जो है अब प्रॉब्लम्स करते हैं ना, अब प्रॉब्लम करने में मजा आएगा क्योंकि हमें हमारे पास ना सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आ गए तो अभी ना हम थोड़ा
प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको मजा आएगा, ठीक है ना? क्योंकि विदाउट बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास फॉर्मूला ही पता नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशियंट आइडियाज नहीं है। ठीक है नहीं बच्चों? ठीक है, तो अभी हमने सफिशियंट आइडिया क्रिएट कर लिया, क्योंकि सफिशियंट आइडिया क्रिएट कर लिया, अभी उसी आइडिया को लेकर अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मैं प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम मैं तुमको दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। टू स्टोन्स आर, है ना, प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, ना, टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स, बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल, देयर रेंजेस आर इक्वल, देयर रेंजेस आर इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज पाई बाय थ्री। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री है ना, एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज एच वन एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज एच वन, देन मैक्सिमम हाइट ऑफ द अदर विल बी, हाइट ऑफ अदर विल बी, है ना, ऑप्शंस है 3H1, 2H1, H1/2, H1/3। चलो ये बताओ, H/3 कितना है, एच बाय सर, 3 3। अच्छा, यस यस, चलो किन लोगों ने आंसर निकाल लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व द आंसर? चलो जल्दी जल्दी बताओ। एक का जो है रेंज दोनों का इक्वल है बच्चों, दोनों का रेंज इक्वल है। अच्छा चलो, अभी वही इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। इफ आर इज सेम देन इफ थीटा वन इक्वल टू पाई बाय थ्री, थीटा
थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पाई बाय थ्री, और पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स. तो एक एंगल ऑफ थीटा वन इक्वल टू 60 डिग्रीज, देन थीटा टू इक्वल टू 30 डिग्रीज. एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 है तो दूसरा 30 है ना. एच वन कितना होगा, एच वन विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज बाय 2g. तो एच टू कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज बाय 2g, ठीक है ना. तो इम्प्लाइज एच वन बाय एच टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर 60 बाय साइन स्क्वायर 30 है ना, रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर बाय वन बाय टू होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 3. इम्प्लाइज एच टू इक्वल टू एच वन बाय 3. ये आ गया आंसर सबका, है ना. चलो है ना, रिया सुप्रिया वेरी गुड वेरी गुड, सु है ना. और बाकी लोग आंसर नहीं बताए, लेकिन क्या हो रहा है आज, बाकी लोग थोड़ा मतलब है ना चुपचाप है, मतलब उतना आंसर्स नहीं मिल रहा है. ये तो इजी सवाल था, मैंने तो काफी इजी सवाल दिया था, ये इजी था कि नहीं बच्चों? ठीक है चलो, और एक बढ़िया सवाल दे रहा हूँ. देखो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया ना, देखो हर एक क्वेश्चन में वो है ना, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए ना, या है ना कोई तो यूज हो जाएगा. देखो मैं अभी दूसरा सवाल दे रहा हूँ, जो पिछला वाला समझ में आ गया सबको. डियर स्टूडेंट्स एवरीवन अंडरस्टूड द प्रीवियस वन, प्रीवियस क्वेश्चन जो है सब लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर. ओके अब देखो मैं फिर से एक सवाल दूंगा, इसमें भी एक इंफॉर्मेशन यूज हो जाएगा ना, लेकिन अच्छे से सोचने की कोशिश करना, ठीक है. तो सोचना ये है कि चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी. क्वेश्चन ये है, ए शेल है ना फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड है ना, एट एन एंगल, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजेंटल, इज जस्ट एबल, इज जस्ट एबल टू क्रॉस हॉरिजेंटली द टॉप ऑफ ए वॉल ऑफ 90 मीटर्स, टॉप ऑफ द वॉल ऑफ 90 मीटर्स, 90 मीटर अवे वॉल, हाँ वॉल 90 मीटर अवे एंड 45 मीटर हाई, 45 मीटर्स हाई, ठीक है ना. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द शेल इज, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द शेल इज, तो ये जो शेल है इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन दिया देखो बच्चों ना वही यूज होगा. मैं इसका ना डायग्राम बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना. आई मेक द डायग्राम फॉर दिस. देखो अगर मान लो के प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ ऐसे है,
हियर इज द प्रोजेक्टाइल। अच्छा अग्नि, अग्नि ने आंसर दे दिया, अग्नि बेटा ने आंसर दे दिया। ठीक है फिर अभी और कौन आंसर देगा, है ना? तो मान लो इट इज जस्ट अबाउट टू क्रॉस, है ना? मान लो वो टावर जो है वो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टावर जो है वो कहीं पे भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीवेयर। तो आर्बिट्रेरी है ना, टावर का एक पोजीशन ले लो जिसको कि वो प्रोजेक्टाइल जस्ट अबाउट क्रॉस करके जा रहा है, तो एक आर्बिट्रेरी पोजीशन है ना कंसिडर कर लो जिसको कि वो टावर जो है वो कंसिडर करके मतलब जस्ट अबाउट ओवरकम करके जा रहा है। जस्ट टेक वन आर्बिट्रेरी पोजिशन है ना टू विच द टावर इज एक्चुअली क्रॉसिंग, जस्ट अबाउट क्रॉसिंग एंड मूविंग अवे, ठीक है ना? तो बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है कि ना ये जो डिस्टेंस है ये 90 मीटर्स अवे है डिस्टेंस, और जो हाइट ऑफ द टावर है वो है 45 मीटर्स हाइट। टावर को जो हाइट है वो 45 मीटर्स है, समझ में आया ना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था प्रोजेक्टाइल का, थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज है। तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या बता रहा है ना, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? डायरेक्टली सारे वैल्यूज तो यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइज वाई क्या है, हाइट इज 45, डिस्टेंस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इज 90, 90 माइनस है ना 5, जी बाई 2 को मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वो 90² है, बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज, टेन 48 डिग्रीज तो 1 है, कॉस 45 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है ना? इम्प्लाइज 45 इक्वल टू 90 माइनस 5 इंटू 90 इंटू 90 बाय यू स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 2, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, आई कैन से दैट, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है और क्या, है ना? इम्प्लाइज 90 इंटू 90 इंटू 10 बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 45, 45 इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ पे 45 कैंसिल कर लो, यहाँ पे एक 45 कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे आ रहा है 2। इम्प्लाइज यू स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी गुड, जिसने 30√2 बोला था बेटा, वेरी गुड, है ना? बेसिकली क्या होगा, 2 × 900 इम्प्लाइज यू कितना आ रहा है, 30√2 मीटर्स, 30√2 मीटर्स आ रहा है, मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितने लोगों ने बोला था मुझे 30√2, अग्नि ने बोला था वेरी गुड, रिया ने बोला था वेरी गुड, ज्योतिर्मय ने बोला था, चलो बहुत अच्छा बच्चों, है ना? चलो बच्चों ना आज का क्लास ओवर है, कल के क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे प्रोजेक्टाइल का, ठीक है ना? कल के क्लास में प्रोजेक्टाइल्स के सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे, उसके अगले क्लास में लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट क्लास विल मूव टू लॉज ऑफ मोशन, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके चलो बच्चों बाय बाय। अभिजीत सर, थैंक यू सर। सर क्लास ओवर है सर। ओके सर। हेलो। यस सर।